पठान के बाद शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद एक प्रोजेक्ट पर फिर से साथ काम करने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट टाइगर वर्सेस पठान नहीं है, उससे पहले ये दोनों लोग थम्स अप के एक एड पर कोलैबोरेट कर रहे हैं। इस एड की शूटिंग से एक वीडियो बाहर आया है जो इंटरनेट पर भयंकर वायरल हो रहा है। शाहरुख खान पिछले कुछ समय से सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये ब्रांड हमेशा से एक्शन बेस्ड एड फिल्म्स बनाने के लिए जाना जाता है। पठान की रिलीज से ठीक पहले शाहरुख ने थम्स अप का एक ऐड किया था, जिसे पठान से लीक हुई वीडियोस कहकर सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा था। अब वो एक नया ऐड शूट कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस world.com के मुताबिक इस एड को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। इस एड शूट से जो वीडियो बाहर आया है उसमें शाहरुख खान एक हेलीकॉप्टर नुमा किसी चीज से बाहर झांक रहे हैं। उनके आसपास कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने हाथ में रिफ्लेक्टर या बीमर पकड़ा हुआ है। तेज हवा चलने की वजह से शाहरुख के बाल खराब हो जा रहे हैं, जिसे वो बीच बीच में ठीक कर रहे हैं। इस वीडियो में शाहरुख खान काले रंग की लेदर जैकेट, टी शर्ट और कार्गो पैंट पहने दिख रहे हैं। उनका ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है। ये शाहरुख और सिद्धार्थ का एक साथ दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले दोनों लोग पठान पर काम कर चुके हैं। आने वाले दिनों में वो टाइगर वर्सेस पठान पर काम शुरू करने वाले हैं। खबरें हैं कि सलमान और शाहरुख स्टारर इस फिल्म की शूटिंग मार्च 2024 से शुरू हो सकती है, जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे। इसके अलावा शाहरुख खान अपनी बिटिया सुहाना के साथ एक फिल्म में काम करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे कहानी फेम शुजॉय घोष डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ सिद्धार्थ की प्रोडक्शन कंपनी माफ्लिक्स प्रोड्यूस करने वाली है। ये एक्शन थ्रिलर फिल्म बताई जा रही है, जिसे 2024 के आखिर में रिलीज किया जा सकता है। जवान और डंकी के बाद ये शाहरुख की तीसरी फिल्म होगी। बीते दिनों शाहरुख खान का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो पत्नी गौरी के साथ अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के घर से निकल रहे थे। पूजा के घर के बाहर फोटोग्राफर्स का जमावड़ा लगा हुआ था, मगर शाहरुख ने वहाँ पूरे टाइम अपना चेहरा छुपाए रखा। इसलिए शाहरुख के वहाँ होने के बावजूद उनकी कोई फोटो बाहर नहीं आ सकी। शाहरुख की अगली फिल्म जवान 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसे एटली ने डायरेक्ट किया है। इसके साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। Parts of India, including the capital New Delhi, are seeing extensive flooding from heavy rains. Floods in northern India are threatening lives and livelihoods. About 100 people have died after record monsoon rains in India this week. Allah aapki ek dua kabool karega. Kya dua mangoge? Allah agar paani the, ek sukh do mujhe. महिलाओं को सुबह से शाम तक और कुछ चिंता हो ना हो, लेकिन पानी की सबसे पहले चिंता है कि घर में पानी लाना है। नहीं, 4 गेड़ा 5 गेड़ा 6 गेड़ा करे जाओ। 80 साल की माँ 90 साल की है, ये मटका भर चल रही है। खारो पानी ही भिगो दा पी। नीचे फ्रैकिंग हो रही है, बड़े हाई लेवल के केमिकल्स डाल रहे हैं। रात एकदम ब्राउन हुए हैं लोगों उस पानी की वजह से। कमाने वाला एक और पानी पीने वाले 10, ये तो मजबूरी में काम कर रहे हैं। और पानी आसपास में नजदीक में कहीं नहीं। घर दीजिए। पढ़ना चाहती थी? पढ़ना बहुत चाहती थी। सजे स्कूल छोड़ दी पानी से। ये सब जो बाहर उठाने से तो उसका बच्चा गिर गया। इसके बाप ने इसको सिखाया क्या? क्या पानी नहीं ला सकता? घर के सो आनंद हो।